सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एगमिंग सो वी आर बैक नाउ विथ अमेजिंग वीडियो गाइज जैसे कि आपने माइंड क्राफ्ट की पिछली वीडियो में देखा था कि हमने माइंड क्राफ्ट में बहुत सब कुछ सीखा था यानी कि मतलब बहुत सब कुछ देख सी सीखने मुझे देखने मिला लेकिन मुझे को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ क्या है लेकिन आज गाइज मुझे सब कुछ ए टू जेड माइंड क्राफ्ट के बारे में सब कुछ सीख किया यू मैं मतलब जो ये पूछो सब कुछ मुझे, मुझे मालूम पड़ चुका है एंड अभी चले से स्टार्ट करते हैं माइंड क्राफ्ट का अपना गेम प्ले लेट्स गो 啊嘘。<Push. S 2> <music> सो ओके गाइस अभी ना ये जो अपना घर है जैसे कि लास्ट टाइम अपना ये ना आ, मतलब एक घर है बट ये एक्चुअली फिक्स घर नहीं अपना ये तो बस ऐसा एक टेम्प्रेरी मैंने रखा है क्योंकि मेरे पास अभी घर नहीं है लेकिन अभी मैं जा रही हूँ घर बनाने के लिए एंड मैं सबसे पहला थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूँ एंड भाई देखो पिछले वीडियो में जैसे उनको बोल रही थी कि ये इंसान मेरे जैसे दिख रहे हैं एक्चुअली मैं ये एक विलेजर होता है और इनकी अलग अलग जॉब होती है जैसे कि ये रहा भाई ये कहाँ जा रहा है इतना बड़ा घर है लेकिन ये इसके पास ना एक भी जॉब नहीं है एंड भाई और क्या चीज़ बताना चाहती है लगनू कांग भाग के गया का... अरे भाई किधर है ओ चेस्ट इधर ओ एक सेकंड एक सेकंड से ओ माय गॉड कितना तो सा ये एम्बरल्ड एक्चुअली एम्बरल्ड रेल तो होता है ये ना विलेजर को ट्रेडिंग करना है बहुत काम आता है मतलब ये ट्रेडिंग आई थिंक uh, मतलब मेरे को ट्रेडिंग में बताते हो मतलब ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है तो so इस ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि मतलब हम लोग जो विलेजर आते हैं इधर ट्रेड मतलब ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं यानी कि अगला बगली यानी कि मतलब समझो मैं एमरेल के बदले मुझे कुछ और देगा वो जैसे कि बेड मतलब एग्जाम्पल समझ लो कोई देता नहीं है वैसे लेकिन एग्जाम्पल समझ लो मैं वो मैं एक एमरेल के बदले मुझे दे रहा है बेड ऐसा होता था ना मैं बिल्कुल भी नहीं खरीद सकती तो लेकिन वो देता है तो ऐसा हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं माइंड में आई थिंक रियल लाइफ में बोलते होंगे बट मुझे नहीं पता एंड भाई देखो ये हम लोग इससे ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सोच रहे ये देखो मैं वे वीडियो लेकिन अभी भी मैं इसको ट्रेड नहीं कर पा रही क्योंकि ये बेरोजगार है अभी क्योंकि इसके पास एक भी जॉब नहीं है अभी आ, मतलब मैं बता दू कैसे मतलब इनके ना बहुत सारे अलग अलग जॉब रहते हैं टोटल ना मेरे को इतना तो नहीं पता कितने जॉब रहते हैं बट इलेवन टाइप जॉब रहते हैं उनके एंड उसका कुछ जैसे कि ब्लास्ट वर्नेस होता है वो मैं सबसे पहले अपने घर में चुपचाप से चले जाती हूँ देन मैं बात करती हूँ हाँ तो ओके गाइस मैं क्या बोल रही थी कि आ, अलग अलग इलेवन एंड इलेवन के टाइप्स होते हैं शायद उससे भी ज़्यादा रह सकते हैं कम रह सकते हैं जैसे कि हमको पता है ब्लास्ट बननेस लूम कॉम्पोस्टर काम आता है खेत मतलब जो फार्मर बनते हैं ना वो कॉम्पोस्टर लेते हैं है, देखो सामने दिख रहा नहीं सामने तो आई थिंक ना सुबह को ही देखना पड़ेगा पहले सोते हैं पान में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करती हूँ ओके okay गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह हो चुकी है एंड मैं बता दू कौन से कौन से जॉब्स रहते हैं इनके पास जैसे कि सबसे पहले तो ब्लास्ट फर्नेस लूम आई थिंक फर्नेस तो नहीं भाई फर्नेस नहीं होता उनका काम आ, काम और ये कंपोस्टर होता है जैसे कि उनका फार्मिंग करने का काम आता है ये लग सकते हो तो कि सामने ये होता है कंपोस्टर उनका जॉब लेने का ओके okay? एंड uh, बहुत सारे ब्रिविंग स्टैंड जैसे कि मैंने लिया था आई थिंक मैंने लिया था बट ब्रीविंग स्टैंड भी होता है uh, और बहुत सारे अलग अलग टाइप से मुझे इतना तो बताया जितना मुझे याद था मैंने उतना बता दिया एंड uh, मेरा घर भाई किधर मैं हमेशा ना दो सेकेंड को अपना घर बुझाती थी ओके सो ये देखो पिछले वीडियो में मुझे इतना सारा सामान मिला था एंड अभी तो डूबना हो चुका है क्योंकि मेरे बहुत सारा अभी सामान है एंड ओके okay भाई मेरे को एमरल नहीं मिला था लेकिन मेरे को बैल मिला था बैल एक्चुअली मैं इधर ना माइंड में ना एक रेड टाइप कुछ होती है मतलब रेड रेड होती है एंड उनके अंदर होते हैं ये पीलेजर टलेजर को नाम के होते हैं वो ना विलेज विलेजर को ना बहुत मतलब ये करते हैं पता नहीं विलेजर को हेड करते हैं एंड सबसे सब बड़ा उनका दुश्मन होता है आयरन गोलम और भाई आपको जब मैं आई थिंक देखो ये सामने नहीं आयरन गोलम यही पता यार मैंने पिछले वीडियो में जैसे मैंने दिखाया था कि वो मॉन्डसर दिख रहा था बट वो एक्चुअली आयरन गोलम होता है इनको ना सेफ करने के लिए होता है मतलब समझो मतलब इनका एक बॉडी होता है और जो की इनको सेफ करता है किसी भी एनिमल से जैसे अभी समझो इसके सामने कोई भी क्रीपर आया एंड जॉम्बी स्केलेटन स्पाइडर कुछ भी है, तो ये मार देता है ताकि विलेजर सुरक्षित रहे मतलब उनको कुछ भी चोट ना पहुंचे इसलिए पिलेजर है ना वो ज्यादा दुश्मन है आयरन के क्योंकि वो आसानी से विलेजर को मारने देते थे इसके लिए आयरन गोलम ना उनका दुश्मन होता है एंड भाई पिछले वीडियो में यही पे था वो आयरन गोलम पता नहीं भी किधर चला गया एंड भाई उसको मारने का एक फ़ायदा होता है अगर हम लोग उसको मारेंगे तो हमें आयरन इंगट मिलता है जो कि बहुत बढ़िया बात है एंड उसको मारना भी इतना आसान नहीं होता हमें यही उछाल देता है अगर हम लोग थोड़ा सा भी विलेजर को थोड़ा भी छेड़काट कर लेंगे देन भाई वो मारेगा हमें बहुत तेज़ क्योंकि बहुत दो अटैक करेंगे ना वो उड़ के हमें मारेगा एंड हम लोग मर भी जाएंगे इतने जल्दी सिर्फ और सिर्फ दो अटैक पे एंड वो बहुत खतरनाक होता है एंड एंड भाई हम लोग भी ना वो जो आयरन गोलम है हम भी उसको पाल सकते हैं हम भी खुद बना सकते हैं उसकी भी रेसिपी भी उतनी अच्छी तो याद नहीं है लेकिन मैं बता दूंगी अगर याद होगी तो एंड भाई सामने चलता है अपना घर भाई किधर चला गया एक सेकंड को घर ओ ओ हाँ हाँ हा। यही यही बोल रही थी मैं ये जो आयरन गोलम है ना ये देखो इसको देखो ये होता है आयरन गोलम ये विलेजर्स का बॉडी गार्ड अगर मैं थोड़ा सा मैं इसके सामने छेड़छाड़ करूँगी अपने विलेजर को तो फिर भाई मेरे को बहुत खतरनाक मानने वाला है सो मैं इधर से चली जाती हूँ एंड भाई आयरन गोलम को भी मानने का एक ट्रिक होता है क्योंकि इतना आसान है जो तो हम लोग मार नहीं सकते को इसलिए उसका भी एक ट्रिक होता है मैं मारूंगी बट अभी नहीं मुझे अभी मेरे पास ना कुछ भी अभी हथियार नहीं है भाई देखो खाना मतलब मेरे को खाना चाहिए क्योंकि मैं भाग भी नहीं पा रही सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पेट भर के अपना ब्रेड खा लिया है खाना एंड अब मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये जो सैडल जो काम आता है जो कि मुझे तीन तीन सैडल मिले हैं वो ना हम लोग ना उससे घोड़ा पाल सकते हैं एंड भाई बहुत अच्छी बात है ये जो सैडल है ना वो कभी क्राफ्टिंग हम क्राफ्ट कर ही नहीं सकते सैडल को हमें वही मतलब डेजर्ट टेम्पल डेजर्ट टेम्पल मैंने सुना है डेजर्ट टेम्पल ना एक डेजर्ट पर होता है उसमें हो सकता है सैडल या विलेजर के पास होता है हो सकता है सो यहाँ पर ना मैंने बहुत बार देखा कि सबको ना दो दो मिलते हैं एक मिलता है लेकिन मुझे पहली बार तीन तीन मिले मुझे थोड़ा भी बिलीव नहीं हो रहा है एंड बहुत अच्छी बात है एंड सैडल्स है ना ये रेयर बहुत रेयर uh, रेयर आइटम मिली है मुझे इस विलेज से एंड इस विलेज में ना मतलब मैं घोड़ा भी था पता नहीं भी किधर चला गया वो हमको ना बाहर जाके घोड़ा चाहिए क्योंकि जो घोड़ा चाहिए भाई क्योंकि वो अच्छा लगता है कभी भी हमको बाहर जाना होगा तो हम लोग ले सकते हैं एंड भाई मैंने बताया नहीं बोल के कि मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल ने मैंने सुना कि बहुत काम की होती है क्राफ्टिंग टेबल ना हम लोग सिंपली वुड प्लैंक से बना सकते हैं वो भी चार ओके चार वुड प्लैंक से हम लोग बना सकते हैं तो मैंने पहले ही बना लिया था एंड आपको इसकी रेसिपी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि इसकी रेसिपी होती है चार वुड प्लैंक से ही बनाते रहते हैं ना तो मैं दिखा दो क्राफ्टिंग अरे नहीं एक सेकंड को क्राफ्टिंग टेबल के अंदर ही हम लोग क्राफ्टिंग टेबल के रसई पूछ रहे हैं हम लोग ना यहाँ पे बताते हैं क्या देखो ये एक छोटा सा क्राफ्टिंग टेबल होता है अगर मैं यहाँ पे ले लूँगी देखो ये चार न बस वुड प्लैंक्स पड़े हुए हैं जल्दी से उसको लेते हैं एंड देखो यहाँ पे मैं एक बना सकती हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल बना सकती हूँ चार वुड प्लैंक से एक क्राफ्टिंग टेबल बन सकता है एंड वुड प्लैंक्स को मिलेंगे ओक वुड से जो कि होता है ट्री में एंड भाई हमको फालतू बकवास नहीं करना क्योंकि देखो यार बहुत टाइम पास हो गया अपना अब मुझे चलना है अपने मतलब घर बनाने के जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं घर नहीं कैसे बनाने वाली हो सो so, उसी के लिए मैं चलने वाली हूँ एंड भाई मैं मतलब तो सारा सामान नहीं लेके जानी थोड़ा बहुत खाने के लिए वगैरह लेके जाने वाली हूँ एंड बाकी का हमको तो वुड्स चाहिए होंगे मतलब वुड्स चाहिए होंगे बट एक सेकेंड मैं uh, इसे स्टिक्स बनाऊँगी एंड पिकैक्स बनाऊँगी आई थिंक बन जाना चाहिए ओके दो दो बन सकते हो ओके एंड बाकी के मेरे पास दो नहीं नहीं एक सेकेंड पास कितने बचे अभी ओ oh, शिट यहाँ पे मेरे एक भी नहीं है क्या अभी ओके दो है मेरे पास और एक चाहिए मुझे वुड प्लैंक्स और पिकैक्स हम लोग तीन वुड प्लैंक्स से बना सकते हैं वुड प्लैंक वुडन वुडन पिकैक्स तो इसको जल्दी से हम लोग तोड़ देते हैं जल्दी से तो तोड़ते हैं एंड इससे हमें जितना मिलता है बहुत अच्छी बात है और देखो भैया कितना कितना मिलता है इस Uh, अरे भैया जा कितना मिलता है ओके okay? नहीं नहीं ये नहीं आ, ये राइट ये वाला नाम को मिलता है चार चार को वुड प्लैक्स मिलेंगे एक ही चाहिए तो खैर चलो यहाँ पे ना बहुत सारे हथियार हम बना सकते हैं okay? ओके so, सो अभी फटाफट से लेते हैं एंड इधर से हम लोग आर्मर में चलते हैं पिकैक्स हम लोग दो बना सकते हैं चलो भाई बहुत बढ़िया पिकैक्स में से बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें एंड खाने की थोड़ा सा खाना का सामान तो चाहिए होगा क्योंकि खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ओके okay गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अपने घर के बाहर निकल चुकी हूँ एंड आप सोच रहे होंगे इतना सारा सामान क्यों नहीं लेकर जा रही हूँ क्योंकि अभी देखो तो वो घर अभी इतने अपना कैसल नहीं बन घर नहीं बन सकता इनके कैसल भी बोला घर भी बोलो कुछ भी बोलो तो वो नहीं बन सकता तो इसके लिए ना मैं रात हो गया ना तो भागते भागते अपने विलेज में आके सो जाऊँगी अपने घर में जो जो कि टेम्परी है टेम्प्रेरी है भूल जाते हैं सॉरी जरा इग्नोर कर देना एंड बाकी यही थी आई थिंक प्लेन जगह नहीं भाई एक सेकंड को ये जो फॉरेस्ट थी इधर नहीं थी प्लेन जगह मेरे को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा आ, ओ हो एक सेकंड एक सेकेंड एक सेकेंड शायद से ये हाँ एक सेकेंड बराबर बराबर ये प्लेन वाली जगह थी मैं यहाँ पे स्पॉन वीता है ना मुझे वहीं पे अपना घर बनाना है क्योंकि देखो यार उधर ना एकदम अच्छी प्लेन जगह थी एंड मुझे भी अपना ना घर घर कैसल जो भी बोलो वो मुझे अपना प्लेन जगह पे बनाना है ताकि मेरे को उसके अंदर ना सब कुछ मतलब बहुत कुछ करना है एंड बाकी यहाँ पे रिवर आ गए और सॉरी रिवर बोल एक पोल आ गया पानी का छोटा पानी का छोटा सा पोल आ गया ओके सो so, मैंने पिछले वीडियो में आपको लावा बताया था लावा एकदम डेंजर होता है क्योंकि लावा जब हम लोग माइनिंग करते हैं ना वो हमारे दुश्मन बन जाता है क्योंकि लावा ना कभी भी किधर भी कैसे भी आ सकता है आपको कुछ भी आप बोल नहीं सकते किधर से भी कैसे भी आ सकता है एंड बाकी देखो यहाँ पे एक प्लेन जगह दिख रही है मुझे वो पीछे भी जगह पे थी लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी जगह बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली प्लेन जगह है बाकी अगर थोड़ा कम पड़ गया ना तो हम लोग बना लेंगे कोई टेंशन की बात नहीं है तो सबसे पहले हमें चाहिए ना मैंने सुना है कि यहाँ पे ना कैसल के लिए लगता है स्टोन ब्रिक्स स्टोन ब्रिक्स बनता है काबल स्टोन से काबल स्टोन हम लोग तोड़ सकते हैं वुड डन पिकैक्स से Uh, हम लोग सिम्पली हाथ से नहीं तोड़ सकते उसको वुडन पिकैक्स लगेगा एंड uh, मेरे को ना अपना घर ना स्टोन ब्रिक्स से ही बनाना है क्योंकि मैंने देखा था इतनी अच्छी लुक आ रही थी कैसल की कि क्या बताऊँ मैं सो so, मुझे अपना ना जो कैसल uh, है वो वुडन पिकैक्स सॉरी uh, वुडन पिकैक्स बोल रही हूँ uh, कॉबल स्टोन का ही बनाना है कॉबल स्टोन से हम लोग स्टोन ब्रिक्स बना सकते हैं नहीं सबसे पहले कॉबल स्टोन से फर्नेस से हम लोग बना सकते हैं स्टोन फिर स्टोन से हम लोग बना सकते हैं उसको काबल स्टोन स्टोन मतलब काबल स्टोन से वर्रेस वगैरह डालेंगे तो हमें मिल सकता है स्टोन स्टोन से कार्फेट टेबल तो में गए तो उधर मिलता है हमको स्टोन ब्रेक सब सबसे मुझे क्या कलेक्ट करना है काबल स्टोन काबल स्टोन रतना बहुत इंपॉर्टेंट जो कि सिंपली आपको केव में मिल जाएगा जो कि ऐसा कुछ टाइप का होता है जिसको मैं बताती हूँ ये वाला टाइप का होता है एंड आई थिंक यू यहाँ ये काबल स्टोन लग रहा है ओके हाँ गाइज़ ये वाला ही कॉबल स्टोन जल्दी से मैं उसको जल्दी से कलेक्ट कर लेती हूँ सो ओके गाइज़ जैसे कि आप लोग पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे काबल स्टोन कलेक्ट कर लिए हैं आई थिंक इतने काफ़ी है अगर कम पड़ गए तो और लेके हो जाएंगे लेकिन गाइज पहले मैं ना केव में माइनिंग कर रही थी एंड अचानक से मैं माउंटेन में आ गई क्योंकि मुझे ना माउंटेन में जाते दिख रहे थे एंड मैं माइनिंग करते करते रात भी हो गई थी तो मैं विलेज के पास जाके फिर से सो गई थी एंड ये मेरा दूसरा दिन है काबल का आँ... माइनिंग uh, करने का एंड अभी मेरे को मिल चुके अरे एक सेकंड एक सेकंड मुझे एक बंडल मिला था मुझे ज़्यादा क्या यहाँ मेरे को एक बंडल मिला था हाँ अरे यार अच्छा यहाँ पे एक लग गया मेरे को ना एक बात समझ नहीं आ रही देखो ये ना देखो अगर यहाँ पे देखो सिंपली आप यहाँ पे देखोगे कि कॉबल्ड स्टोन का ना अलग अलग कलर है एंड अगर मैं अभी ऐसा लगूंगी तो ये अलग लग रहा है ये अलग लग रहा है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कॉबल्ड सोन ही है दूसरा मैं कलेक्ट कर रही हूँ बट ये देखो यहाँ दिखा रहा है कॉबल्सोन है एंड मैं सबसे पहला ना हम लोग चलते हैं अपने घर में बारिश हो रही है मैंने सुना है बारिश जब अब जो मैंने सुना बोली बोले हो ना आपको कि स्केलेटन क्रीपर वगैरह आते हैं उस टाइम पे ना मतलब बारिश होती है तो आई थिंक ना सुबह मतलब धूप तो उनको लग कि नहीं तो आई थिंक सब लोग बाहर आ चुके होंगे एंड मेरे को चलना है अपने घर आ, विलेज के पास एंड अभी अरे याद नहीं आ रहा मेरे को तो विलेज की तरह एक सेकेंड विलेज विलेज वही विलेज की तरह सच्ची बता रही हूँ विलेज नहीं मिल रहा मेरे को विलेज अरे विलेज को ढूंढना पड़ेगा मुझे एक तो यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे ना क्रीपर वगैरह ना आए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा वरना ना मैं मरने के बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं मुझे वैसे तो यहाँ पे मुझे घोड़े मिल चुके हैं दो तो वाइट कलर के ओह शिट कितने अच्छे घोड़े और बारिश में भीगते हैं सच्ची में मुझे लगा ना सब लोग ना बारिश में ना सारे एनिमल्स ना केव के अंदर छुपते होंगे क्योंकि ऑब्वियसली यार उनको बारिश लगती होगी अब बारिश लगती होगी नहीं नहीं सॉरी सुर, सॉरी वो भीगते होंगे तो इसके लिए ना ऑब्वियसली वो पक्का जाते होंगे किसी केव में लेकिन यहाँ तो सब लोग एकदम खुला खोल रहे हैं मतलब अच्छे से घूम रहे हैं बट यहाँ पे मेरा केव घूम चुका है अरे ये देखो इधर तो मेरा केव नहीं था मुझे जहाँ तक यहाँ इधर मेरा ओ मैं केव क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे मेरा विलेज नहीं था मेरे को जहाँ तक यहाँ थे विलेज तो यहाँ पे नहीं था मेरा मेरे को ढूंढना पड़ेगा भाई ओके okay गाइस जैसे मैं कि आप लोग हमें देख सकते हो कि यहाँ पे ना मेरे सामने एक विलेज में ढूंढते जा रहे थे मुझे लगा ना यहाँ मेरा विलेज खो चुका है लेकिन ऐसे ही सामने जा रहे थे कि हम लोग को सामने की तरफ ना अपना विलेज दिख गया था सो मैं एकदम खुशी हुई एंड सामने ना थोड़ा सा ना खाना की कमी थी तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ना मुर्गी को मार के ना थोड़ा सा खाना लेके आई हूँ एंड बाकी मेरे कॉबल्सन वगैरह सब कुछ सेफ है लेकिन यहाँ पे ना एक गड़बड़ हो चुकी है जब मैं कॉबल्सन कलेक्ट कर रही थी ना यहाँ पर मेरी एक पिकाइक खत्म हो चुकी थी खैर जोड़ो अभी ना हम लोग सबसे पहले स्टोन के सारे हथियार बना लेते हैं देन नहीं नहीं एक सेकंड स्टोन के हथियार बनाना से सबसे ना बहुत सारे स्टिक्स लगेंगे एंड भाई देखो मुझे लग रहा था कि मुझे मारने आ रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है सबसे पहले मुझे बहुत सारे स्टोन श्ट, बोल रही थी मैं वुड कलेक्ट करना है वुड कलेक्ट करने के बाद उसके स्टिक्स बनाना है तो अभी हम लोग बना सकते हैं अपने स्टोन के सारे आर्मर ओके गाइस जैसे कि आप लोग हमें देख सकते हो कि मैंने सिर्फ दो ट्रिक कलेक्ट किए हैं एंड यहाँ पे मुझे दस ओक लॉग मिल चुके हैं थे कितने काफ़ी हो जाएंगे क्योंकि ना समझो फोर्टी को वुड प्लैंक्स मिलने वाला है क्योंकि ना अगर एक वुड अगर एक वुड लॉग मिलता था तो टोटल हमको चार एक्स्ट्रा मिलते हैं तो इसके लिए आई थिंक फोर्टी वुड्स प्लैंक्स काफ़ी है तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग बनाते हैं सारे के सारे वुड प्लैंक्स ओके यहाँ पे मैंने बना लिया वुड प्लैंक्स जल्दी बन जाए ओके वुड प्लैंक्स बन चुके अभी जल्दी से हम लोग स्टिक्स बना लेते हैं स्टिक्स ओके स्टिक्स यहाँ पर ऐसे स्टेस भी बन चुके हैं स्टिक्स आई थिंक ना ज़्यादा ही बनने वाला है स्टिक्स ओके बहुत सारे बन गए एंड अभी हम लोग चैन से अपनी आर्मरी भी कलेक्ट कर मतलब आर्मी भी बना सकते हैं और स्टोन एक एक्स भी जरूरत है एक पिकैक्स की भी एंड एक शोवल की भी एंड हुई की तभी जरूरत नहीं है क्योंकि हुई अभी थिंक अब तक काफ़ी नहीं होगा लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग क्राफ्ट कर लेंगे कोई वही इनकी बात नहीं है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मैंने अपनी एक शो शूअर एक्स पिक एक्स बना लिया लेकिन अभी मैंने हुई भी, भी बना अच्छा मैंने शॉवल नहीं बनाई क्या चलो ठीक है मैं शॉल बात कर रही थी एंड मेरे को फिफ्टी फाइव कॉबर्जन और है सो तो अब जिले से सबसे बड़ा सारा सामान आप चेस्ट पे रख देते हैं सारे के सम्भाल के रख देते हैं एंड भाई ये क्या हो रहा है ओके यहाँ यहाँ पे हमारे इतना स्टिक्स भी रख देते हैं क्योंकि बहुत सारे काम के आएंगे बहुत सारे टॉर्चेस बन सकते हैं इससे एंड ये लो वॉल भी रख दिया पिकेक्स खाने का सामान भी रख देते हैं फैदर वगैरह सब कुछ यहाँ पर रख देते हैं एंड अभी बारी आती है और फरनेस बनानी क्योंकि मुझे फर्नेस बनाना है इससे हम लोग लगना फूड भी बना सकते हैं तो जल्दी से यहाँ पे छः फर्नेस बन सकते हैं मुझे एक ही फर्नेस चाहिए उतना ही बजट है बाकी हो गया यहाँ पे फर्नेस रख दिया एंड मुझे चाहिए कोल और वरना वुड प्लैंक्स में चल जाएगा ना आई थिंक हाँ वुड प्लैंक्स में चल जाएगा लेकिन मैंने सारे के सारे स्टिक्स भी और स्टिक्स डाल दिए तो क्या चलो हमको ना खाना बाने पका लेंगे अभी के लिए फिलहाल सो जाते हैं कल सुबह हम लोग निकलेंगे अपना कैसल या घर कुछ भी बोल रहे ओके okay? कुछ भी बोलो आप वही हम लोग बनाने निकलेंगे अभी तो देखो फिलहाल के लिए घर भी नहीं बोल सकते कैसल भी नहीं बोल सकते लेकिन धीरे धीरे अपना कैसल बनता जाएगा और आखिरकार ना बहुत अच्छा लगने लगेगा लगने लगेगा सो so, अभी के लिए ना फिलहाल हम लोग बेड ले लेते हैं क्योंकि कभी भी रात होती है हमेशा तो एक बेड का ले, ले लेते हैं एंड मेन अपना सारा खाने का सामान ले, ले लेते हैं एंड ओके ये ले लिया एंड पिकैक्स आदि कितने से कुछ का, काम लगने वाला है अगर नहीं लगा तो मतलब और लगेगा तो हम लोग और लेके आएंगे कोई टेंशन की बात नहीं है सो अभी चलते हैं बेसिकले ना अभी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं अपनी नई वाली स्टोन पिकैक्स यूज़ रहा हूँ सबसे पहले हम लोग अपनी वुडन पिकैक्स पूरी कंप्लीट कर लेते हैं बाद में हम लोग वो यूज़ करेंगे एंड बाकी बस और खाना हो सकता है थिंक एक सेकंड को आ, नहीं ना भैया और भी खाना नहीं मेरे पास वैसे तो क्या चलो यहाँ पे जल्दी से मुख चलते हैं अपने जहाँ पे हम लोग अपना घर कैसल जो भी बोलो बनाने वाले हैं अभी चलो भाई जल्दी चलो देखते हैं अभी बना सकते ना आज तो मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला धीरे धीरे पूरा मतलब कंप्लीट होता जाएगा आ एक वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता ओके सो अभी ना अपने जगह वही जगह क्यों जगह 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 ओके okay गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना मैं किधर तो आ चुकी हूँ लेकिन मुझे अपना तो जहाँ से अपने विलेज में आ चुके हैं ना मुझे मतलब जब मेरे को अपने विलेज का रास्ता पता है मैं उधर से डायरेक्ट निकल जाऊँगी लेकिन आप सुन वापस मैं क्यों जा रही हूँ लेकिन भाई देखो मेरे को अपने स्टेयर्स बनाने थे काबल्सून से जितने मैं कॉबल्ड सोन लेके आई थी ना मेरे को उससे स्टेयर बनाने थे क्योंकि देखो अभी स्टार्टिंग अभी स्टार्ट अभी हो रहा है क्योंकि अभी देखो कॉबल्ड सोन अगर कमी पड़गी ना साइड से रहेगा शायद काबल्सोन उधर से हम लोग ले लेंगे बाकी देखो इतना ही नजदीक में थी उधर से जल्दी से हम लोग जाते हैं स्टेयर्स बनाते हैं जितने कॉबल्ड सोन है उतने नहीं लगने वाले वैसे तो दस कुछ लगने वाले हैं बाकी हम लोग कॉबल्डसोन भी कलेक्ट कर लेंगे मैं भूली कहीं यार एकदम अचानक से भूल के जा रही मैं कॉबल सुन में लेके आई थिंक मैं कॉबल सुन नहीं लेके आई हूँ नहीं मैं कॉबल सुन में लेके आई एंड बाकी ना मैं चलते चलते ना थोड़ा सा गाय को मार के आई उसे थोड़ा सा बीफ लेके आई क्योंकि खाने का थोड़ा सा कमी थी इसके लिए क्योंकि पटाटा जो है ना उतनी हेल्थ नहीं बढ़ती अपनी एंड बाकी जो अपना घर अभी आ चुका है जल्दी से यहाँ पर चलते हैं मेरे को अपने घर का रास्ता ही मालूम पड़ चुका है सोच चलते हैं कोबल सून चाहिए कोबल सोन कोबल सून हो गया कोबल्ण मिल चुका है एंड बाकी यहाँ से जल्दी से हम लोग स्टेयर्स बना के स्टेयर्स की रेसिपी देख ले लेते हैं और यहाँ पे देखो सकते यहाँ पे सात स्टेयर्स बना सकते हैं हम लोग टोटल चेयर्स पे ये करते हैं क्लिक एंड ओके चार चार ओके बारह आई थिंक इतने काफ़ी हो जाएंगे बाकी हम लोग सारे लेके चलते हैं अगर कम पड़ गए तो वापस में हम लोग लेके आएंगे बाकी ना ओके मैं ना इस तरफ जा रही थी लेकिन इस तरफ जाना था क्योंकि और नहीं नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट सेकेंड नहीं नहीं मैं बराबर नहीं नहीं बराबर नहीं नहीं ये बराबर नहीं है मैं दूसरी तरफ जा रही एक सेकंड हाँ आई थिंक उस तरफ होगा रास्ता मैं थोड़ा तो सा कंफ्यूज़ हुआ यार मैं किस तरफ मेरा कैसल मेरे को बनाना था जहाँ पे ना एकदम बड़ा वाला केव था उधर ही मेरे को बनाना था अभी पता नहीं होगा बड़ा वाला केव मिलेगा या नहीं लेकिन जहाँ पे मुझे प्लेन जगह मिलेगी वहाँ पर बनाऊंगी लेकिन एकदम बड़ी प्लेन जगह होनी चाहिए वैसे थोड़ा तो सा चलेगा एकदम ऊपर नीचे ऐसे ब्लॉट लगोंगे तो चल जाएगा उसका मैं एकदम आगे आगे जाके ना ठीक कर दूँगी तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है लेकिन अभी मुझे चाहिए बहुत बड़ा प्लेन जगह मेरे को तो मिल तो चुकी थी लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रही नहीं यार एक सेकेंड यार यहाँ तो साइड वाइड आगे पीछे सब तरफ ना जाड़ी जाड़ी है बाकी बीच में खुला मैदान है लेकिन उतना ही नहीं है मुझे बहुत बड़ा बनाना है अपना मतलब समझो यार थोड़ा सा मेजर भी करो थोड़ा मतलब बहुत बड़ा बनाना है मुझे वैसे अपना कैसल आम, और ये यार को पता नहीं चल रहा मेरा कर... जहाँ पे मैं अपना लोकेट करी थी ना वो पता नहीं आया मेरे को रास्ता थोड़ा तो सा कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ से आई थी ना यहाँ से आई थी तो आई थिंक नहीं यहाँ पर तो सम मतलब यहाँ तो पूरा आइलैंड मतलब आइलैंड भी नहीं बोल सकते यहाँ पे पूरा समुंदर है तो वहाँ पर सर्फ तो नहीं था मेरा घर थोड़ा सा इधर आगे चल के देखते हैं आई थिंक मुझे प्लेन जगह मिल जाना चाहिए वैसे तो मुझे पता नहीं चल रहा यार मैं किधर हूँ जगह तो मालूम है मैं किधर से आई थी आपस में जा सकती हूँ अपने विलेज के घर में विलेज के पास अभी नहीं 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 यार इधर तो नहीं आई थी मैं कभी भी देखो यार मैं पूरा यहाँ पे झाड़ी पे आ चुकी मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार थोड़ा सा ओके okay गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे मुझे अपना कैसल बनाना था वो तो वो वाली जगह मुझे मिल चुकी है एंड उसके लिए एक प्रूफ भी है यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने केव सिलेक्ट किया के था वही ये वाला केव है एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे की तरफ ना कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं वो भी स्क्वायर शेप की है बाकी सब है, बाकी सब कुछ स्क्वायर शेप का होता है मुझे तो नहीं पता मैंने जाने वाले नीचे कूदने वाली नहीं हूँ अभी फिलहाल के मुझे बनाना है अपना कैसल एंड देखो ये देखो सामने की तरफ ना ये मेरा पुराना ही वाला विलेज है मुझे अपना जो कैसे है वो एकदम नजर मुझे विलेज के नहीं बनाना सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ना मुझे सामने बहुत बड़ा प्लेन जगह दिख रहा है उधर चल के देखते हैं शायद से उधर ही शायद से उधर ही अपना कैसे बन सकता होगा ओके गाइस जैसे क्या आप रोके मैं देख सकते हो ये जो मैं पहले आपको दिखा रही थी ना ये देखो ये अपना विलेज है एंड उधर केव है अपना तो यहाँ पे ना इससे भी बढ़िया हाँ वाली मुझे जगह मिल चुकी है तो एकदम प्ले ना सच्ची बोलती एकदम प्ले प्लेन बाकी ना थोड़े ऊपर डर्ट लगा उसको मैं साफ कर दूंगी कोई टेंशन की बात नहीं है बाकी सामने की तरह ओ ओ ओ ओ मैं गिर जाती मैं गिर जाती थी एंड मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ थोड़ा सा चिकन खा लेते रॉ चिकन कच्चा चिकन खाना है और जब फर्नेस तो बन चुका है लेकिन अभी बस कोल नहीं है अगर जब कोल आ जाएगा ना और ये क्या हो रहा है एक सेकंड यार ये बार बार आता है कोई टेंशन की बात नहीं पिछले वीडियो में भी कुछ नहीं होता है अभी भी कुछ नहीं होगा आई थिंक तो so फटाफट चलते हैं एंड बाकी तो खत्म ही नहीं हो रहा यार जो जो हो रहा है इसके इन हंगर बोलते हैं ना इसको हंगर यार हंगर ही बोलते हैं अभी पता नहीं क्या है इसका काम एंड अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं सामने की तरफ उतना लालच नहीं होना है मुझे अक्सर क्योंकि तो इतने अच्छे मेरे को प्लेन जगह मिल चुकी है बाकी इतना मेरे को इतना ही चाहिए था मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था यही भी हम लोग इतना स्टार्ट कर देते कैसे वैसे तो यहाँ पे ना कुछ अच्छी जगह तो नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे एकदम अच्छा प्लेन जगह अरे यहाँ पे तो और विलेज अरे यार तेरे एंड बाकी यहाँ पे व्हाइट हॉर्स भी है मैं अपना साइड लाना भूल गई थी क्या कैचोरा बांध में भी कर सकते एक सेकंड एक, एक, एक विलेज अरे रे यार सॉरी 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 मुझे मेरे को लगा कि ये विलेज है लेकिन ये विलेज नहीं एक्चुअली में एक माउंटेन है ऐसे ही लग रहा था कि एक विलेज है बट कैचोरा सबसे गलती हो जाती है बाकी ना मुझे यही पे अपना कैसल बनाना जल्दी से हम लोग कैसल बनाना स्टार्ट कर देते हैं जैसे एंड आ, यार देखो हम कैसल ना इस इस जगह पे बनाना है वैसे तो पहले सबसे पहले तो क्लीन करना पड़ेगा मुझे अपने शोर ला, लानी पड़ेगी अभी के लिए फ़िलहाल मैंने बेड लेके आई थी बेड ओके बेड मेरा यहाँ पे रहा ये रहा बेड एंड मुझे ना अपना ओके इस तरफ हम लोग शायद से बना सकते थे अपना घर बाकी यहाँ पे आई थिंक रिवर होगा सो so, भाई देखते हैं भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किधर बनूँ एक्चुअली ओके यहाँ ये बराबर जगह लग रही है अपनी कैसल बनाने के लिए आ, ये देखो यहाँ से शुरुआत होगी बाकी आगे जा, जाके, जाके, जाके 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 बहुत सब कुछ बनने वाला है यही मत समझो कि इतना ही होगा आ, पीछे की तरफ मैं बता रही हूँ पीछे इतना तक बनने वाला है अपना कैसल आ, ये हम लोग मार्क कर रहे थे ओके okay? तो इसको मारो सो so, यहाँ जल्दी से हम पहले सो जाते हैं फिर आपको मिलते हैं हम लोग कल सुबह कल सुबह हम लोग अपना शॉल भी लेके आएंगे एंड क्योंकि ना तो थोड़ा सा हम साफ़ करना पड़ेगा बाकी नहीं यही पे हम लोग रहने देते हैं एंड नहीं निकालते हैं एक सेकंड ये लुक खराब कर खर रहा है इसकी एंड ये जो है ना जल्दी से हम लोग ये घास फूस को निकाल लेते हैं थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं रास्ता क्योंकि देखो जहाँ पर मैं रहने वाले हूँ उतना पूरा एकदम अच्छे से क्लीन होना चाहिए तो जल्दी से हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं ओके okay गाइस जैसे कि आप लोग कहीं पे देख सकते हो कि मैं वापस अपने में अपने जहाँ पे उनको कैसल बनाना है वहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी शो और एक्स देखिए क्या पता है एक्स से भी जरूरत पड़ जाए एंड यहाँ पे ना मैं जैसे कि आप लोग कहते हैं जैसे कॉबल्ड में थोड़ा सा थो थो मार्क बनाई थी क्योंकि देखो यार मैं भूल जाती हूँ कभी कभी किधर मेरा घर मेरा कैसल कहाँ पर मुझे बनाना था वो भूल जाती हूँ लेकिन मैंने अभी अभी कॉल किया कि इतने ही मतलब बहुत थोड़ी डिस्टेंस पे मेरा विलेज एंड कैसल है तो मेरे को थोड़ा सा और दूर बनाना है आम, ताकि मेरा घर ना थोड़ा सा यूनिक लगे मतलब यूनिक की बात नहीं है मतलब थोड़ा सा एकदम डिस्टेंस से मैं ना सोच रही हूँ तो जल्दी से हम लोग बनाते हैं एंड आपको मैं दिखाती हूँ पूरा कम्प्लीट करके तो ओके गाइज यहाँ पे मैंने अपना कैसल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है अभी आपको ना भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन नेक्स्ट वीडम पप पक्का हम लोग बहुत अच्छा बनाने वाले हैं बट अभी आ, मैंने दिखाया दिखाना तो देखो देखो तो देखो सही भाई एक सेकेंड सो कुछ ऐसा मेरा कैसा है भाई देखो अभी ना थोड़ा सा गंदा लग रहा है वैसे तो जितना मेरे से हो सका ना मैंने उतना बनाया मैं देखो कॉबुलसन भी नहीं है सैंड भी नहीं है वैसे तो कभी मैंने एंट्री की है थोड़ी सी आ, देखो यहाँ पे दरवाजा लगाया मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ना उतरने वगैरह करने के लिए लगाया हम पे देख सकते हो थोड़ा सा पतला लग रहा होगा लेकिन अभी ना उसको मोटा वगैरह जो जो आप कमेंट डालोगे सब कुछ हम लोग करने वाले हैं अभी बट अभी के लिए जैसे मेरा आइडिया था मैंने वैसा किया एंड अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गे मतलब गेट खोल के यहाँ से हम लोग जा सकते हैं सीढ़ी मैंने इसलिए बनाई थोड़ा सा ना अच्छा राजा टाइप की फिर रानी टाइप की फीलिंग आ जाए फीलिंग आ जाए तो ये ऐसे डाला एंड यहाँ पे जैसे कि आप लोग मैं मेरा हॉल है एंड ऊपर की तरफ ऐसे ही में मतलब रात को कभी भी हमको ऐसे ढूंढना मतलब कुछ भी ऐसा देखना रहा तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कुछ भी अगर हो रहा रहा तो मैं पे देख सकती हूँ बहुत आराम से है ना अभी हॉल पे ना मेरे को ना बहुत सब कुछ डालना है कैसे चलो क्या आज के लिए इतना अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना है मुझे पता है गाइस थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं बना लेकिन धीरे धीरे देखते जाओ ये कैसे ना कैसे कैसे हो जाएगा सो आज के लिए इतना अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना है दो बार बोले तो अब तो कर दो भाई सो आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग Thank